मैं आज मौजूद हूँ जामे तुर्शीद के शोबा तहफिज़ुल कुरान में, और यहाँ पर आज एक मुकाबला है हुस्न तिलावत का। जामे तुर्शीद के जो जो मस्जिद है वहाँ पे ये मुकाबला हो रहा है, और तकरीबन 13 पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस मुकाबले में शरीक हैं। शौकते इस्लाम है, उम्मते मरहुमा की तौफीर मजमाउल उलूम। हमारे साथ कारी एहसानुल हक साहब, जो कि इस वक्त सीनियर तरीन कारी हैं जामे तुर्शीद के और इमाम हैं जामे तुर्शीद की मस्जिद में, इस मुकाबले में बतौर मुनसिफ वो शरीक हैं। उनसे जानते हैं कि कैसा ये मुकाबला रहा, किस किस्म के यहाँ पे इवेंट्स होते हैं तिलावत के अतबार से और कुरान मजीद के अतबार से, और किन किन लहजों में बच्चों को यहाँ पे कुरान करीम की तिलावत जो है वो दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो तजर्बा रहा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर रहा, और ये पहली कोशिश है जामिया के शोबा तहफीज़ुल कुरान करीम की तरफ से। इससे पहले उनने इनके असातिज़ा ने बताया कि हमने जो पहला मरहला था उसमें 55 तलबा थे, और उन 55 में से 13 तलबा का इंतखाब हुआ है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ दो और कुर्रा हजरात जो मुनसिफीन थे, तो पहले तजर्बे के अतबार से तो इसको अच्छी कोशिश कहा जा सकता है, लेकिन मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। और यहाँ शोबे तहफीज़ चूँकि इसके लिए वक्त भी बहुत कम है, इसलिए कि कुल 4 घंटे हैं, और जो दूसरा वक्त है सेकंड टाइम में इनका स्कूल भी होता है, तो इस एतबार से ये समझा जा सकता है कि असाज़ा की बहुत कोशिश है इसमें। तलबा ने अच्छा सुनाया, और लहजा भी उनका माशाल्लाह बेहतर था, और हर चीज़ में मज़ीद जो है बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो मेरे ख्याल ये है कि इसमें मज़ीद अगर ये लोग मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। फिक्रे अहले हक की है तस्वीर मजमा उल्लू।